Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, अभी हमको देखने वाला है WWE का नेक्स्ट मेगा इवेंट जो होगा समर स्लैम 2021। और कभी हम ऐसे बड़े इवेंट्स देखते हैं, हमको खाली दो ही मैचेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है और वो है वर्ल्ड टाइटल मैचेस। क्योंकि आपको पता है WWE हमेशा ऐसे बड़े इवेंट्स के लिए जो उनके चैम्पियनशिप मैचेस रहते हैं उसके लिए बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें प्लान करते हैं। अगर WWE ने बहुत बड़ा चीज़ प्लान किया है ये साल के दोनों वर्ल्ड टाइटल के मैचेस के लिए, क्योंकि हमको जॉन सीना और गोल्डबर्ग जैसे टॉप स्टार्स, ये दोनों टॉप चैंपियंस बॉबी लैशली और रोमन रेंस है, उनको चैलेंज करते हुए दिखने वाले हैं। तो इस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आगे, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। अगर आप रोमन रेंस, WWE, गोल्डबर्ग, बॉबी लैशली, जॉन सीना के बड़े वाले फैन हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। आपको तो मैंने पहले अपडेट दिया था कि WWE प्लान कर रही है जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच प्लान करने के लिए एट SummerSlam 2021 फॉर ए यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो मोस्ट प्रॉबली रहेगा शो का मेन इवेंट। लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि कौन सा मेन इवेंट रहेगा रॉक के साइड में, क्योंकि पता है अभी फिलहाल चैंपियन है बॉबी लैशली और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको रॉक लेसनर पॉसिबली उनको रिटर्न करते हुए देख सकते हैं और वो सीधा बॉबी लैशली को चैलेंज करते हैं जिससे देख सकेंगे। गाइस अभी फिलहाल WWE का कोई प्लान नहीं है रॉक लेसनर को वापस लाना, बल्कि गाइस वो प्लान कर रही है बॉबी लैशली और बिल गोल्डबर्ग का मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप एट SummerSlam 2021। हाँ गाइस, आप सुनोगे वो सही है, बहुत लोगों को गोल्डबर्ग पसंद है, हमको मोस्ट प्रोबेबली बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग का मैच देख लेगा। सब लोगों को चाहिए कि इस साल का SummerSlam का इवेंट बहुत ही बड़ा बनाना, और इसलिए वो हमको पॉसिबली बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग का मैच दिखाने वाली है फॉर WWE चैंपियनशिप। और गाइस, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।